अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चों, आज हम ईमानदारी चैप्टर के मशकी सवालात करेंगे, तो आएं मशकी सवालात शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ईमानदारी का लफ्जी मायने क्या है? तो बच्चों, आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि ईमानदारी का लफ्जी मायने क्या है। चले आएं अब इसका जवाब देखते हैं। ईमानदारी का लफ्जी मायने दयानतदारी है। नंबर दो पढ़ते हैं। सवाल नंबर दो है बच्चों, ईमानदारी का मफहूम क्या है? इसका जवाब है, ईमानदारी का मफहूम ये है कि अगर किसी इंसान का कोई हक, माल या कोई चीज दूसरे के जिम्मे हो तो उसे पूरा पूरा अदा कर दे। सवाल नंबर तीन है बच्चों, मुलाजमत और ईमानदारी का आपस में क्या ताल्लुक है? तो बच्चों, आप लोगों ने चैप्टर में मुलाजमत और ईमानदारी का आपस में ताल्लुक भी पढ़ा है। यकीनन आपको इसका जवाब आता होगा। चलें आएं अब मेरे जवाब के साथ आप अपना जवाब मैच करें। अगर कोई इंसान किसी जगह मुलाजमत करता है तो उसका अपने फर्ज को पूरी जिम्मेदारी से अदा करना भी ईमानदारी है। मुलाजमत और ईमानदारी का आपस में ताल्लुक आपको समझ आ गया होगा। अब सवाल नंबर चार पढ़ते हैं। इसी तरह सवाल नंबर चार है बच्चों कि ईमानदारी के मुताल्लिक किसी एक आयत का तर्जमा लिखें। तो बच्चों, चैप्टर में हमने आयत का तर्जमा पढ़ा था कि ईमानदारी से मुताल्लिक आयत भी थी और हदीस भी थी। तो चलें आएं अभी हम ईमानदारी से मुताल्लिक एक आयत का तर्जमा पढ़ते हैं। खुदा तुमको हुक्म देता है कि इमानत वालों की इमानतें उनके हवाले कर दिया करो। सवाल नंबर पांच है बच्चों, ईमानदारी की फजीलत पर एक हदीस का तर्जमा लिखें। इसका जवाब है कि जिसमें अमानत नहीं उसका कोई ईमान नहीं, और जो वादे की पाबंदी नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। बच्चों, उम्मीद है आपको इन तमाम सवालात के जवाबात समझ आ गए होंगे और आपने इन जवाबात को लिख लिया होगा। बच्चों, आज हम मशकी सवालात के साथ साथ एक इजाफी सवाल भी करेंगे। इजाफी सवाल है, ईमानदारी के फायदे और अहमियत बयान करें। बच्चों, आपको याद आया आपने ईमानदारी के क्या फायदे पढ़े थे? जी हाँ, शाबाश। ईमानदार इंसान की हर कोई इज्जत करता है, ईमानदार इंसान पर हर कोई एतमाद करता है, ईमानदार इंसान लेन देन में कभी धोखा नहीं करता, ईमानदार इंसान अल्लाह ताला पर भरोसा करता है। बच्चों, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 60 निकाल लें। आज हम मारूजी सवालात भी करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले खाली जगह पूरी करेंगे।
सबसे पहली खाली जगह देखें, मशवरा तलब होने पर सही मशवरा देना भी डैश में शामिल है। तो बच्चों आपको याद आया कि मशवरा तलब होने पर सही मशवरा देना किस में शामिल है? जी हाँ, ईमानदारी में शामिल है। मशवरा तलब होने पर सही मशवरा देना भी ईमानदारी में शामिल है। नंबर सेकंड पे देखें, कुरान मजीद और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम में ईमानदारी की बहुत दैश की गई है। तो बच्चों कुरान मजीद और सुन्नत नबी में ईमानदारी की बहुत क्या की गई है? जी हाँ, बहुत ताकीद की गई है। नंबर तीन है, जिसमें इमानत नहीं उसका कोई डैश नहीं, जिसमें इमानत नहीं उसका कोई ईमान नहीं। नंबर चार है, मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम को डैश का लकब दे रखा था। जी बच्चों, मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम को क्या लकब दे रखा था? अमीन का लकब दे रखा था। वेरी गुड, मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम को अमीन का लकब दे रखा था। नंबर पांच है, जो वादे की पाबंदी नहीं करता उसका कोई डैश नहीं। तो बच्चों जो वादे की पाबंदी नहीं करता उसका क्या नहीं है? कुछ याद आया आपको? जी हाँ, जो वादे की पाबंदी नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। बच्चों अब हम सवाल नंबर तीन करेंगे जो सफा नंबर 61 पर है। सवाल नंबर तीन है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। सबसे पहले हम कॉलम अलिफ पढ़ लेते हैं। ईमानदारी का लफ्जी मानी, जो वादे की पाबंदी नहीं करता, मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम को जिसमें अमानत नहीं, खुदा तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें। अब हम कॉलम बे पढ़ लेते हैं। कॉलम बे में सबसे पहले देखें, उनके हवाले कर दिया करो। नंबर दो पर है, दयानतदारी है। नंबर तीन है, उसका कोई ईमान नहीं। नंबर चार है, अमीन का लकब दे रखा था। नंबर पांच है, उसका कोई दीन नहीं। तो बच्चों आप लोगों ने ईमानदारी चैप्टर पढ़ा है, यकीनन आपको कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना आ गया होगा। चलें अब आप मेरे मिलाए हुए आंसर्स को देखें और अपने मिलाए हुए आंसर्स को भी चेक करें। सबसे पहले ईमानदारी का लफ्जी मानी क्या है? ईमानदारी का लफ्जी मानी है दयानतदारी। ईमानदारी का लफ्जी मानी दयानतदारी है। दूसरा नंबर है, जो वादे की पाबंदी नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। नंबर तीन, मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम को अमीन का लकब दे रखा था, जिसमें अमानत नहीं उसका कोई ईमान नहीं। और आखिरी नंबर पे है, खुदा तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की इमानतें उनके हवाले कर दिया करो। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने भी कॉलम इसी तरह मिलाया होगा। शुक्रिया।